हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम दमाम में हैं और ये मेरा आज दूसरा दिन है। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं सीको रियाद में। जिस तरह रियाद में बथा मार्केट है या हारा मार्केट है या समेसी है, उस टाइम वहाँ पर गैदरिंग होता है इंडियन पाकिस्तानी लोग का। दमाम में एक सीको जगह है, वहाँ पर भी लोग सबका बहुत ज़्यादा रश होता है। तो आज हम आपको वहाँ का जो व्यू है वो आपको दिखाने वाले हैं, और हमारे साथ में कुछ दोस्त लोग हैं, वो जानते हैं उसके बारे में ज़्यादा। तो चलिए फिर मिलते हैं गाड़ी में आपसे। ये हमारा गाड़ी है, सीको में सीको बिल्डिंग है, वो तो टूट गया है फिलहाल, उसको तो क्रशिंग कर दिया है। जुम्मा मस्जिद है, जुम्मे की नमाज इंशाल्लाह वहाँ पढ़ेंगे। और बड़े बड़े मॉल हैं और भी छोटे मोटे मॉल हैं। और तो उधर में सीको मार्केट लगता है, मुर्गी, तोता, मोर, सफ़ेद मोर, काले मोर, सांप, बिल्ली, कुत्ता, ये मार्केट लगता था पहले, अभी तो पता नहीं है, देखेंगे इंशाल्लाह। सीको सीको जैसे अपना रियाद में बता वैसे उसी टाइप का है? हाँ, उसी टाइप का है, कस्टर्ड एरिया है, छोटा एरिया है, छोटा एरिया है, छोटा गाँव है, पूरा इतना लंबा चौड़ा नहीं, बहुत लंबा चौड़ा है। ये सीको की एक बिल्डिंग बनी थी कुछ जमाने में, पुराने टाइम में बिल्डिंग बनी थी, तो उसका नाम सीको रखा था, सीको कंपनी, सीको घड़ी, उसी के नाम से सीको चल रही है। वो बिल्डिंग तो अभी टूट गई है। तो चलिए वीडियो बन रही है, आज आपको दिखाते हैं सीको का व्यू आपको। ये जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे उसके आउटसाइड का ये व्यू है। ये आसपास में बिल्डिंग सब है, अभी बिल्कुल भी खाली है, लोग नहीं है। अभी सुबह के 7 बजने वाले हैं। तो हम लोग को यहाँ से जाना है राइट, और ये है किंग अब्दुल अजीज सेंटर फॉर वर्ल्ड कल्चर, जाएगी लेफ्ट, वहीं से हम लोग जाना है एयरपोर्ट की तरफ राइट। और ये ऊपर में ये तमाम का किंग फहद रोड। ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये बन रहा है COC चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, बन ही रहा है। एक रियाद की फेमस कंपनी है अल भवानी, ये वो बना रही है बिल्डिंग, अल्भवानी कंपनी लिमिटेड, COC चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और वो जो सामने देख रहे हैं वो दमाम की अरामको ऑफिस है। ये दमाम का बहुत पुराना होटल है, जो सामने देख रहे हैं ना, दमाम पैलेस होटल, ये बहुत ही ओल्ड होटल है दमाम का। और ये है दमाम का लूलू, ये कौन सा रोड है अमित भाई? ये दमाम का अंदर का रोड है। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग इंडिया के इस शहर में घूम रहे हैं, इस वजह से तो कोलकाता का शहर की तरह फीलिंग्स आ रहा है। और इसकी खास वजह मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चूँकि सऊदीया का सबसे पुराना शहर है, इस वजह से ये फीलिंग ज़्यादा आ रही है। छोटी बिल्डिंगें हैं, बिल्डिंग बहुत ऊँची नहीं है, ये छोटी बिल्डिंग है, बिल्कुल जैसा फील। ये दमाम का जुमा मस्जिद है सामने में जो है, हाँ सामने का जो मीनार दिख रहा है, सबसे बड़ा जुमा मस्जिद है। और हम आपको दिखाई देते हैं जाके मार्केट में, तो बात मिल जाए। ये सामने में गार्डन है, पार्क है, क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, इसको बैठने के लिए, रेस्ट के लिए है, मोटर खाना, अच्छी जगह बना हुआ बैठने का। और ये स्पाइस जेट का ऑफिस दिख रहा है, रियाद में नहीं देखे कौन सा, तो स्पाइस जेट का ऑफिस ही ये हो रहा है, रियाद में नहीं था, रियाद में नहीं है, सही है। अभी हम लोग सऊदी टैक्सी स्टैंड के पास होटल में नाश्ता करने रुके हुए हैं, एक पाकिस्तानी होटल ही है जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं नाश्ते के लिए। और इसके आसपास में कबूतर चिड़िया का दुकान मार्केट लगता है, देखिए ये सामने में जो है यहाँ पे मार्केट है, कबूतर चिड़िया का बत्ता कबूतर सब है। और इसके लेफ्ट साइड में टैक्सी स्टैंड है।
तो नाश्ता अभी हम लोग कर लिया, अभी हम लोग बाहर में हैं, तो चलिए आपको कुछ व्यू दिखाते हैं आउटसाइड का। यहाँ पे खरगोश, बत्तख, कबूतर, तोता सब मिल रहा है। अब वो सामने देख रहे हैं वो टैक्सी स्टैंड है। हम जो बोल रहे थे खरगोश, खरगोश नहीं है, चूहा है भाई, सॉरी। तो वो जो देख रहे हैं उसको बोलते हैं चिक्कू नेपाली गार्डन ना भाई, चिक्कू नेपाली का गार्डन बोलो, उसको बोलता है चिक्कू नेपाली का गार्डन। अच्छा, उसका नाम क्यों पड़ा? वो नेपाली का आदमी इधर आता है ना, अच्छा, ज्यादा आदमी लोग के साथ बात करता है, इसने नेपाली का गार्डन नाम दिया उसका। लेकिन आज ईद है, ईद का सेकेंड डे है, इसलिए यहाँ पर उतना रश नहीं है। और ये सामने सब में ये होटल सब है, यहाँ पे अगर आपको खाना खाना है इनमें पाकिस्तानी का, तो बहुत सा होटल है यहाँ पे। ये ताजमहल रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट है ये, अभी बंद है पता नहीं। यहाँ पे बहुत से होटल है खाने पीने के, अगर आप लोग ये वीडियो तमाम से देख रहे हैं तो आपको पता होगा ये एरिया। बंगाली मार्केट बोलते हैं यहाँ का। इधर बांग्लादेशी होटल भी है। पूरा पत्थर जैसा ही है, अभी उतना रस नहीं है क्योंकि ये तो आज तो ईद की छुट्टी, इसलिए अगर आते नॉर्मल डे में तो बहुत रस होता ज़्यादा। और ये सब फिश का दो शॉप है, गोश्त शॉप है आसपास में। अभी हम सिक्को सब्जी मार्केट में हैं और ये सामने देखिए पूरा सब्जी मिलता है, कितना ज़्यादा रस भी है अभी। उस साइड में हॉस्पिटल है, सफा हॉस्पिटल, और ये सब सब्जी मार्केट है, सेम जैसे है बंगाली मार्केट में, सब्जी मार्केट वैसा ही है। अभी तो ये रस कम है क्योंकि अभी तो जुमा सुबह सुबह है, रात शाम में तो बहुत ज़्यादा रस होगा यहाँ पे। और ये सब मछली दुकान सब है। सेम ये इंडिया जैसा माहौल है यहाँ पे पूरा। तो तमाम का मेन मार्केट है भाई, बंगाली मार्केट है, बंगाली मार्केट है, सब सब्जी इधर वो एमनी मार्केट है पूरे का। ये स्पेशली जो यहाँ पे जो खारजी लोग रहते हैं, इन्हें पाकिस्तानी बांग्लादेशी, उन लोगों के लिए खास मार्केट है यहाँ पे, उनके हर सामान मिल जाता है। कंपनी के लोग आते हैं, रिक्वायरमेंट के सामान मिल जाए, कंपनी के लोग आते हैं फ्राइडे को घूमने फिरने के लिए, तो जाते चलते जाने के टाइम सब्जी वगैरह, चावल है, तेल है, जो भी आइटम जोड़ का सामान ले जाते हैं अपना। इसके अंदर भी बहुत बड़ा मार्केट है, अभी सुबह सुबह बंद है। ये है दुबई सेंटर, सामने में मैक्स है, ये सिकू में मैक्स है, इधर अभी ये भी बंद है। ये मेडिकल शॉप है और इसका हिस्ट्री है, क्या हिस्ट्री बताइए पुराना, ये फिल्म की कैसेट बीसीआर की कैसेट मिलती थी। अच्छा, अभी शॉप हो गया, मेडिकल शॉप हो गया। ये सब व्यू है सामने का। ये है ग्रैंड मार्ट, हाइपर मार्केट है यहाँ पर। ये दमाम सीको का जो एरिया है बहुत बड़ा है, लेकिन उतना हम लोगों के पास टाइम नहीं है, हम लोग अभी और कहीं जाना है नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं बत्तख मार्केट का वीडियो तो देख सकते हैं, बटन में होगा,
तो कुछ ऐसा ही टूर था यहाँ पे दमाम सुपर मार्केट का। उम्मीद करते हैं कि आप सब वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका चैनल पे नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।